हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। दोस्तों, आप लोगों से मैं बहुत माफ़ी चाहती हूं कि मैं वीडियो को आप लोगों के लिए रेगुलर नहीं दे पाती, और आज मैं आप लोगों को लिब्रे ऑफिस का नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट बताने जा रही हूं फ्रेंड्स, जिसमें मैं आप लोग को डाटा ऑप्शन के बारे में बताऊंगी कि डाटा और शीट ये हमारा रह गया था, तो उसे आज मैं बताती हूं। फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियोस यदि आप लोगों ने मेरे चैनल पर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आशा करती हूँ यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जाके प्रेस कर लीजिएगा, जिसके सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। तो लिब्रे ऑफिस में आज हम लोग शीट मेन्यू और डाटा मेन्यू दोनों ही कवर करेंगे, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि 1x1 सारे ही ऑप्शन मैंने बताए हैं और एक एक चीज़ को करके भी बताया है। तो आई विश कि आप लोग ज़रूर देखेंगे लास्ट तक वीडियो। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट सेल्स। इंसर्ट सेल्स का मतलब देखिए, एक चीज़ और इसमें देख रहे हैं आप, सब जगह शॉर्टकट लिखी हुई है, तो आप इन शॉर्टकट को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मैं अलग से इसलिए नहीं दे रही हूँ इसमें क्योंकि ऑलरेडी दी हुई है, तो आप लोग इसी में से साइड बाय साइड देखते रहिएगा क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट्स आते हैं। तो इंसर्ट सेल्स में देखते हैं। देखिए, मैंने दो यहाँ पे रोज बना ली हैं। एक में मैंने डिजिट लिख दी 5000 और एक में लिख दी 4000। ये जो 5 नंबर वाली रो है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये 5 नंबर वाली रो, इसमें मैं इंसर्ट शीट में गई, इंसर्ट सेल्स में, तो आप देखिए इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई, सेल इंसर्ट हो गया। सेल हो या वो रो हो, अब ये सेल क्यों, क्योंकि मैंने पूरी ही उसको सिलेक्ट किया था। रो एबव, ये भी वही इंसर्ट रो, यदि आपको ऊपर की तरफ चाहिए तो देखिए ऊपर की तरफ हो गई है, और ये देखिए ठीक है ना, ये इसके नीचे आ गया। उसके बाद देख लेते हैं कॉलम, सेम एक्सेस। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये बी है, और मैं यहाँ पे भी कुछ डिजिट्स लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। शीट्स में जाएंगे, कॉलम्स में, कॉलम बिफोर पहले, ये देखिए इधर आ गया, इसके बिफोर में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। और इसी तरीके से आप कॉलम में आफ्टर में जाएंगे तो आप देखेंगे इसके बाद में ये कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखिए गैपिंग आ गई है। इस तरीके से हम अगर कोई वर्क करना, कोई शीट में वर्क करना भूल जाते हैं तो हम किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को या किसी भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। सेम एज रो कॉलम पेज ब्रेक, पेज ब्रेक को देखते हैं। देखिए ये रो है 4 नंबर की, मैं इसको पेज से कट करना चाहती हूँ। उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको शीट्स में जाना है, इंसर्ट पेज ब्रेक पे जाना है, रो ब्रेक, ये देखिए रो ब्रेक हो गई। कैसे पता चला, ये लाइन दिख रही होगी आपको डॉटेड, तो ये रो जो है इसकी अलग हो गई है, मतलब ये जो रो आ रही थी आपकी 1, 2, 3, ये ब्रेक हो गई है इससे, ठीक है ना, तो ये ब्रेकिंग का आपका साइन आ जाता है। उसके बाद डिलीट सेल्स, सेम प्रोसेस, जिस तरीके से अभी हमने इंसर्ट किया है उसी तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये वाली जो आपकी रो है इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो आप डिलीट सेल में भी जाके देखिए डिलीट हो गया, और वापस लाने के लिए आप इसको कंट्रोल जेड से भी ला सकते हैं, नहीं तो इसमें शो का भी ऑप्शन आएगा। उसके बाद आता है डिलीट रोज, तो वही है, अगर आपको ये रो में जाके डिलीट करना है तो भी, और सेल में जाके डिलीट करना है तो भी। सेल के लिए क्या है, आपको सिर्फ सेल, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं सिर्फ और फिर शीट में जाके डिलीट सेल्स करते हैं, तो ये देखिए तब भी पूछ रहा है आपको लेफ्ट साइड से करना है, रो में करना है, कॉलम में करना है, ये ऊपर की साइड करना है, तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हो, और यहाँ से नहीं देखिए तब भी हो गई डिलीट, और नहीं तो उसमें जाके भी आप इसमें कर सकते हैं। डिलीट रोज और डिलीट सेल्स दोनों का सेम काम। कॉलम्स में देख लेते हैं क्या है, वही कॉलम है, जैसे ये कॉलम है, आपको ये कॉलम डिलीट करना है, आपको दिक्कत हो रही है इसमें, तो आप डिलीट पर क्लिक करिए, देखिए पूरा कॉलम डिलीट हो गया, और देखिए यहाँ से जो इसके एड्रेसेस हैं वो नहीं डिलीट हुए, ABC प्रॉपर आ रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे बस वो डिलीट हो जाएगा, बाकी जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी जैसे होती है। नेक्स्ट ऑप्शन में पेज ब्रेक हो गया, इंसर्ट शीट, डिलीट पेज ब्रेक से हम इस ये जो लाइन्स हैं इसको भी डिलीट करना चाहें तो सिलेक्ट करके सेम तरीके से डिलीट हो जाएंगी। इंसर्ट शीट, अभी देखिए ये क्या आ रहा है, शीट 1, आपको कोई नई शीट लेनी है तो आप इंसर्ट शीट में जाइए, वो आपसे पूछेगा आपको कितनी शीट लेनी है, कहाँ लेनी है, तो नंबर ऑफ शीट्स आ रही हैं, अगर आपको ज़्यादा लेनी है तो आप ऊपर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो यहीं पर। इसका शीट का कोई नाम लिखना है आपको, आप यहाँ से नाम डाल दीजिए, जैसे आपको शीट मैथ्स के नाम से लेनी है तो आपने यहाँ पर मैथ्स लिख दिया,
और इसको जस्ट ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक नई शीट आ गई है और मैथ्स के नाम से आ गई है। और शीट लेने का तरीका ये भी है, ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे, आप इस पर भी जब क्लिक करेंगे तो एक नई शीट आ जाएगी। और यदि आपको इसका नाम चेंज करना है आप इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीनेम शीट, आप इस पर क्लिक करके इसका कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो वहाँ से भी हम इस काम को कर सकते हैं और यहाँ आके भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई ऑप्शन आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन समझिएगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद में एंड हो गया, इंसर्ट शीट एट एंड, आपको वही अगर एंड तक चाहिए तो वो वही चीज़ है, आपको शीट नहीं लेनी है तो उसके लिए ये भी ऑप्शन है। बस इसका और वहाँ पे मतलब क्या है कि इसमें एंड तक, जितनी बड़ी शीट होती है पूरी आती है और इसमें सिर्फ उतना ही एरिया आता है जितना हमको शीट में दिखाई देता है। इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल, ये वही है, अगर आपको कोई फाइल आपकी सेव है लिब्रे ऑफिस की तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। मेरी कोई फाइल है नहीं लिब्रे ऑफिस की, इसीलिए यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रही है और खुलेगी भी नहीं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की अगर आपकी कोई फाइल है तो आप यहाँ जाके इसको ओपन कर सकते हैं इंसर्ट शीट फाइल से। लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, ये भी वही है, यदि आपको कोई डाटा इसमें लिंक करना है, मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क की कोई फाइल है और आप उसको लिंक बनाना चाहते हैं तो आप यहां से लाके उसको ओपन कर देंगे। जैसे मैं अभी तो कोई भी लूंगी तो वो लेगा ही नहीं कि वो कैल्क की ही लेगा, तो उसका क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिंक आ जाएगा और लिंक आने के बाद में आप जब उस पर कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी, जैसे हम लोग हाइपर लिंक में करते थे। लिंक टू एक्सटर्नल डाटा में जाते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी यदि आपको कोई फाइल लिंक पे लगानी है तो आप ब्राउज में जाके कैल्क की किसी भी फाइल को लिंक पे लगा सकते हैं और वो लिंक्ड हो जाएगी। इसके बाद में आ जाते हैं फिल सेल्स, ये डिलीट शीट है, अगर आपको किसी शीट को डिलीट करना है तो आप शीट को यहाँ पे आके डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी शीट बनी नहीं है, एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। आप देखिए ये ऑप्शन भी हाईलाइट हो रहा है, तो आपको अगर शीट टू डिलीट करनी है तो आप इसको डिलीट करिए, यस कर दीजिए, तो देखिए टू वाली डिलीट हो गई है, वन वाली आ गई है। तो ये डिलीट शीट का ऑप्शन था। इसके बाद में देख लेते हैं क्या है फिल सेल्स। फिल सेल्स का मतलब क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है पूजा और मैं इसको लिखना चाहती हूँ, तो आप इसको पूरे में सिलेक्ट कर लीजिए और आपको अगर इसे, वो तो मेरे को आपको पता ही है, सिर्फ कॉर्नर्स पकड़ के खींच देंगे तो सब में आ जाएगा, और इनकेस अगर नहीं आता है तो आप फिल सीरीज में जाके डाउन में कर देंगे, तो देखिए जहाँ तक आपका सिलेक्शन था वहाँ तक ये फिल हो जाएगा। सेम एज अगर आपको राइट साइड में करना है आप इसको राइट कर दीजिए, ये देखिए राइट साइड में आ गया, जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे पूरे में फिल हो जाएगा। और एक तरीका तो आपको मालूम ही है, आप इसका ये जो प्लस का साइन है इसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक, उससे तो ये आ ही जाता है। तो ये फिल सीरीज में अप लेफ्ट और सीरीज और शीट्स, रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर आपको गिनती में लिखना है, अगर जितने भी एरिया में लिखना है आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको फिल कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसमें कहीं पे भी जाके इसको शीट में इस तरीके से फिल सेल्स में डाउन राइट अप, आपको जहाँ पे भी करना हो आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नेम रेंज फॉर एक्सप्रेशन, ये डिफाइन करना है आपको, इंसर्ट करनी है कोई भी चीज आप इसको यहाँ पे लाके इंसर्ट कर लीजिए, किसी भी नाम से आपको फाइल रखनी है या कोई कॉपी पेस्ट करना है उस नाम को भी लाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। साइकिल रिफरेंस टाइप का कुछ नहीं है। सेल कमेंट्स में ये वही है, अगर आपको किसी को कमेंट देना है तो आप राइट क्लिक करके भी आप इसको आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको इंसर्ट कमेंट का, ये देखिए कमेंट बॉक्स खुल गया है। और यदि आप यहाँ पर शीट में जाने के बाद में वहां जाने शीट ऑप्शन में जाने के बाद भी आप सेल कमेंट में जाके कमेंट्स को दे सकते हैं। क्लियर सेल्स, आपको कोई सेल को क्लियर करना है वही चीज है, आपको कोई चीज डिलीट करनी है, नंबर्स टेक्स्ट या जो भी एक्स वाई जेड, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा आपका। जैसे आपका इसमें नेम्स लिखे हैं और शीट में जाने के बाद में आप क्लियर सेल्स में जाने के बाद आपको डिलीट ऑल करना है तो देखिए सब कुछ डिलीट हो जाएगा जितना आपके एरिया सिलेक्ट है। और यदि आपको उसमें से सिर्फ डेट डिलीट करनी है या टाइम डिलीट करना है तो उसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं डिलीट में ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। रीनेम शीट, आपको मालूम ही अभी मैंने आपको बताया कि शीट को कैसे रीनेम किया जाता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे शीट वन है तो इसका कोई दूसरा नाम भी हम लोग रख सकते हैं। मूव हाइड शीट एंड शो शीट, ये वही है, अगर आपको किसी शीट को शो करना है और उसको हाइड करना है, जैसे उसको हम यहाँ से भी कर सकते, कॉपी शीट आपको पता ही है, एक शीट को उठा के अगर कहीं और लेके जाना हो तो शीट को कॉपी कर लेते हैं यहीं से। नेविगेट कुछ नहीं, शीट टैब कलर, ये मैंने आपको भी यूज ही करके दिखाया, अभी मैंने करा ही है फिर भी मैं बता देती हूँ, ये शीट का टैब कलर है। जैसे ही आपको येलो लाइन दिख रही है आपको इसे रेड करना है
आप इस पर क्लिक करिए, ये शीट का टैब कलर जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। शीट इवेंट्स पे लेते हैं क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, आपको डबल क्लिक करना है। तो ये सेटिंग है, मुझे लगता है नहीं है कि इसको आपको छेड़ने की जरूरत है, इसको हम रख देते हैं। और ये मैक्रो का जो यूज है वो शायद यहाँ पे आगे दिख जाएगा। शीट इवेंट्स में फ्रेंड्स ये जो मैक्रो का यूज है, इसका यूज मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में भी बता चुकी हूँ और एमएस ऑफिस में तो मैंने बताया ही है। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है। जैसे आपको कोई टेबल बनानी है, आप 3-4 टेबल वर्ड्स की टेबल बना के आप मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको कॉपी पेस्ट रोज कर सकते हैं। तो ये आप मेरी लास्ट की वीडियो में भी देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि एक ही ऑप्शन को बार बार बताने से टाइम भी लगता है और आप लोग को समझने में भी लगेगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अब आ जाते हैं सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर। तो ये बहुत ज़्यादा उस तरह के ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैं देखिए आपको बताती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये अंजू नाम है, एक का करण नाम है, एक का ममता नाम है, तो ये तीन लिस्ट है। अब आपको इसे फिल्ट्रेशन करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। असेंडिंग मतलब पहले ए वालों का नाम आ जाए, बी वालों का आ जाए, तो जैसा भी आपको करना है आप उसके अकॉर्डिंग। कॉलम डी है, असेंडिंग करनी है, ओके करिए। तो देखिए ए बी सी की फॉर्म में नाम आ जाएगा, वो लिखे भी इस तरीके से हैं। और अगर मैं यहाँ पे बबीता लिख दूँ, फिर यहाँ लिख देती हूँ फरहान, और यहाँ लिख देती हूँ जीनत। अब देखिए मैंने इसमें तीन नाम बढ़ा दिए हैं, और अगर अब मैं इसको जाने के बाद डाटा में सॉर्टिंग करती हूँ और इसको एक्सटेंड सिलेक्शन करके असेंडिंग ओके कर देती हूँ, तो देखिए नाम ए बी सी की फॉर्म में आ गए, पहले ए का फिर बी का, तो ये असेंडिंग है। ये हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं अपने एक्सेल में। उसके बाद सॉर्ट असेंडिंग, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ए जेड, यानी ए टू जेड में करने हैं तो सॉर्ट असेंडिंग, और बी टू ए यानी कि उल्टे करने हैं तो सॉर्ट डिसेंडिंग। ये देखिए बी टू ए हो गए, यानी उल्टे उसने लगा दिए। इंसर्ट कॉलम, कॉलम्स बिफोर, कॉलम चाहिए आपको, ये वही वाले ऑप्शन, सॉरी मैं उसमें चली गई थी। ऑटो फिल्टर में आते हैं, ऑटो फिल्टर के लिए पहले मैं ज़रा टेबल, ये वाली मेरी डिसलेक्ट हो गई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, और अब मैं ऑटो फिल्टर में आऊँगी। ऑटो फिल्टर का मतलब होता है कि आपको, देखिए जैसे ही मैंने ऑटो फिल्टर पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं मैंने पूरी लाइन ले ली, इसलिए यहाँ पे एक निशान आ गया है आइकॉन, इस पे जब मैं क्लिक करूँगी वो पूछ रहा है कि आपको इसमें से किस किस के नाम चाहिए और किसके नहीं। मैंने कहा मुझे ममता का नहीं चाहिए और करण का नहीं चाहिए, आप इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे ममता और करण के नाम इसमें से हट गए हैं। तो ये ऑटो फिल्टर होता है। मोर फिल्टर्स में जाते हैं, स्टैंडर्ड फिल्टर करना आपको, एडवांस फिल्टर, रीसेट फिल्टर, ऑटो हाइड फिल्टर। हाइड ऑटो फिल्टर का मतलब क्या है कि ये जो फिल्टरेशन का निशान है जो आया था इसमें आइकॉन, वो ऑटो हाइड हो गया, यानी कि वो हट गया है। हाइड कर देंगे इसको, देखिए हाइड करने के लिए काम करता है। और स्टैंडर्ड फिल्टर में भी वही है कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए, जैसे आपको एच कॉलम नहीं चाहिए, ओके कर देंगे। तो इसमें से देखिए एच वाला 4 के बाद में सीधा 19 आ गया, वो जितने एरिए सिलेक्ट थे वो सारे के सारे गायब हो गए हैं। तो यही सब इसका काम है जो हमने उसमें भी पढ़ा है। डिफाइन रेंज आपको रेंज बता देगा कि किसकी रेंज में आपको क्या लिखना है। जैसे आपने ये टेबल्स दिए, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, और अब अगर आप डाटा में जाके डिफाइन रेंज करेंगे तो देखिए वो आपको रेंज यहाँ पे दिख रही होगी, आपको रेंज का नाम आ रहा है, आप इसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया हुमा और इसको ओके कर दिया, तो ये हुमा के नाम से एक रेंज बन गई है यहाँ पे। ये जो रेंज है इसका नाम एक हम लोगों ने पर्टिकुलर सेट कर लिया है। सिलेक्ट रेंज में बस वही है कि जो देखिए हुमा का नाम हमने डाला था तो रेंज का नाम उसने दिखा दिया यहाँ पे हुमा। तो इट्स अ वेरी सिंपल ऑप्शन बट नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कैल्क में क्या है कि एक एक ऑप्शन आपको आना चाहिए, दैट्स वाई मैं आपको बता भी रही हूँ अच्छा, और आप लोग प्लीज इसको अच्छे से समझ भी लीजिएगा। रिफ्रेश रेंज का कुछ यूज नहीं है, रेंज को रिफ्रेश करना हो। पाइवट टेबल मैं आपको पिछले अभी इंसर्ट मेन्यू में बताया था, मैंने आपको पाइवट टेबल इंसर्ट में ये दिख रहा है आपको, मैंने पाइवट टेबल बताया था, सेम एज इट इज वही पाइवट टेबल है। कैलकुलेट में देख लेते हैं क्या है, कैलकुलेट में भी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करना है आप किसी भी डिजिट्स को लिख के कैलकुलेट कर लीजिए सेलेक्ट करके, उसी की तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं क्या है, सब टोटल्स, आपको सम लेना है, आप इसको ओके करिए। तो देखिए ये इसको सम करना है, आप इसको सम करके ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ये इसने बिल्कुल वैसे की वैसे कॉपी कर दिए।
तो ये क्या करता है, कैलकुलेट तो उसी से करेगा, लेकिन इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसकी सब टोटल्स कर सकते हैं कि आपको इसी की तरीके से कोई और चीज़ अगर लिखनी हो तो उसको सब टोटल की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्म में आपको कोई भी फॉर्म बनाना है, आपको न्यू बनाना है तो आप डाटा फॉर्म में जाके न्यू ले सकते हैं, और डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसका भी कोई बहुत इशू नहीं है काम में। स्ट्रीम्स, XML सोर्स, ये HTML की फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। डाटा प्रोवाइडर का भी कोई मेन यूज़ नहीं है इसमें। मल्टीपल ऑपरेशंस को देख लेते हैं क्या है इसमें भी, फार्मूला वगैरह यदि आपको कुछ लगाना है तभी, तो ये मैं फार्मूलाज ऑप्शन में आपको आगे बता दूंगी। और टेक्स्ट टू कॉलम, कंसोलिडेट ग्रुप एंड आउटलाइन, ये हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप अनग्रुप कैसे किया जाता है, रिमूव आउटलाइन है उसके आगे पीछे की आउटलाइन डिलीट करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स में सिंपल पीरियड टेस्ट, ये भी आपकी सेटिंग है सारी की सारी। तो ये ऑप्शंस इतने ज़्यादा मेन नहीं है और इनका यूज़ भी कुछ उस तरह ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट्स लगे तो आप मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई, मैं आपको कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा बताने की, क्योंकि ऑप्शन का यूज़ अगर हम करके देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इनका यूज़ भी कुछ नहीं है। तो बस हम लोग का एक टूल्स मेन्यू बचा है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। यदि कोई दिक्कत लगे, कोई बात ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझको ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।